इन दिनों महेश्वर में छठी वाटर स्पोर्ट्स केनू सलालम नेशनल प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है, जिसमें देश के कई भागों से खिलाड़ी शामिल हुए। देश के कई हिस्सों से पहुंचे खिलाड़ियों ने सहस्रधारा में मां नर्मदा के जल के तेज प्रवाह में अपना जौहर दिखाया। प्रतियोगिता का आगाज गुरुवार को SDM आनंद राजावत, भारतीय काइकिंग कैनोइंग संघ अध्यक्ष प्रशांत कुशवाहा एवं भारतीय काइकिंग कैनोइंग संघ जिला सचिव विक्रम यादव ने किया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए देश के कई हिस्सों से 140 खिलाड़ी महेश्वर पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता में SSCB, ITBP, कर्नाटक, MP, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ की टीमें भी शामिल होने के लिए नगर पहुंच गई है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग 14, 18, 23 वर्ग की आयु के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं 13 जनवरी को पुरस्कार वितरण समारोह से प्रतियोगिता का समापन होगा। बीस गेट को सबसे कम समय में पार करने वाला नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतेगा, जिसे टीम इंडिया में जगह मिलेगी। नेशनल प्रतियोगिता में K1 और C1 प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें 20 गेट है। 6 गेट अपस्ट्रीम तो 14 गेट डाउनस्ट्रीम है। एक गेट को पार करने हेतु 15 सेकंड का समय दिया गया है। गेट टच होने पर 2 सेकंड की पेनल्टी और गेट छोड़ने पर 15 सेकंड की पेनल्टी के नियम भी प्रतियोगिता में शामिल किए गए हैं। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 20 खिलाड़ियों का चयन होगा, जिसमें 10 खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। प्रतियोगिता में 17 टेक्निकल ऑफिसर एवं कर्नाटक की रेस्क्यू टीम तैनात है। प्रतियोगिता में डेमो रन भी दिया गया। दोपहर न्यूज़ के लिए महेश्वर से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट।